विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी देंगे जवाब। मणिपुर हिंसा पर राहुल के आरोपों पर बोलेंगे पीएम। मणिपुर पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी का किया घेराव। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई आपत्ति। सदन में जमकर हुआ हंगामा। सदन में कांग्रेस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वार। कहा, आप सपने दिखाते थे लेकिन हमारी सरकार ने सपने साकार किए। पहले वादे किए जाते थे, अब पूरे हो रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मणिपुर पर बोले ओवैसी। कहा, अब तक मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं हटाया गया। देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। सदन में मणिपुर हिंसा पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा, मणिपुर में डबल इंजन सरकार फेल। 3 महीने में 150 लोग मारे गए। लोकसभा से विपक्षी सांसदों ने किया था वॉकआउट। निर्मला सीतारमण के संबोधन के दौरान सदन से निकला विपक्ष। राहुल गांधी के लोकसभा के कल वाले भाषण से हत्या, हत्यारे, कत्ल और देशद्रोही जैसे शब्द हटाए गए। कल के भाषण के बाद लोकसभा सचिवालय ने फैसला लिया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण में कांट छांट पर जताई आपत्ति। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, साथ ही संसद टीवी के कथित भेदभाव की शिकायत भी की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, हमने गतिरोध खत्म करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष की मानसिकता सिर्फ हंगामा करने की है। राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव का बिल पेश। नियुक्ति वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जगह मंत्री को रखने का है प्रस्ताव। विपक्ष ने सवाल उठाए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बिल पर बोले केजरीवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पीएम नेता विपक्ष और सीजेआई पैनल में हो। अपने ऊपर लगे फर्जी दस्तखत के आरोपों पर राघव चड्ढा का इनकार। कहा, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। हम केजरीवाल के सिपाही हैं, लड़ना और जीतना जानते हैं। फर्जी साइन मामले में आम आदमी पार्टी की सफाई। कहा, राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। सांसद राघव चड्ढा पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे केजरीवाल झूठ बोलते हैं वैसे ये भी बोलते हैं। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले विवाद पर बोले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, राहुल की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस मामले पर महाराष्ट्र बीजेपी महिला विंग ने किया विरोध प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा, मां का लाडला बिगड़ गया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले पर टली सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट 14 अगस्त को सुनाएगी फैसला। हाउसिंग कमेटी के आदेश को दी है चुनौती। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा का ऐलान। कहा, पंजाब में आपसे गठबंधन नहीं। 2024 में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कल दिल्ली में तिरंगा यात्रा का आयोजन। प्रगति मैदान से लेकर कर्तव्य पथ पर मोटरसाइकिल पर तमाम सांसद और मंत्री निकलेंगे तिरंगा यात्रा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के वांटेड धर्मजोत पर शिकंजा। अमेरिका में हिरासत में लिया गया। मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टरों पर को हथियार सप्लाई का आरोप। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक एफबीआई से जल्द भारत सरकार करेगी संपर्क। धर्मजोत को भारत लाया जा सकता है। अमृतसर का रहने वाला है धर्मजोत। ज्ञानवापी सर्वे का आज 7वां दिन। सर्वे जारी, शाम 5 बजे तक किया जाएगा सर्वे। आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट 6.50 पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर ने कहा, महंगाई दर 4% पर लाने को लेकर प्रतिबद्ध। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों की महारैली। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार। महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में कार्यकर्ता संभाजी भिंडे की बड़ी मुश्किलें। शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तुषार गांधी। मुख्तार अंसारी की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए हुई मंजूर। 13 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया माफिया अतीका करीबी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद नसरत। 5 करोड़ की रंगदारी मामले में था फरार। उरी बारामूला में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। सीसीटीवी और ड्रोन से हो रही है निगरानी। उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश से सड़क पर आया मलबा। 2 दिन से बंद पड़ा था रास्ता। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के काशीपुर में भारी बारिश से उफान पर ढेला नदी। पानी के तेज बहाव में बहा पुला पुल बह गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से भारी तबाही। 5 लोग लापता। तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौरी में ताल में बादल फटा, सैलाब की चपेट में आए कई मकान। यूपी के मुरादाबाद में बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के मोतिहारी में भी उफान पर नदियां, लगातार बारिश से बागमती और लालकबया नदियों का बढ़ा है जलस्तर, प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अपनी मिलिट्री के टॉप जनरल को किया बर्खास्त, साथ ही सेना को जंग की तैयारियों के लिए कहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।